हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक के बारे में ऑफ चैप्टर टिश्यूज टिश्यूज में हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लूड कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में हमने किस टाइप के टिश्यूज़ को इंक्लूड किया है और इन टिश्यूज में किस टाइप के कम्पोनेंट्स हम देखने को मिलते हैं हमें वो पढ़ेंगे हम इन दिस वीडियो सो स्टार्ट करते हैं विद फ्लूड कनेक्टिव टीश्यू तो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू क्या है कनेक्टिव टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो क्या करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं कुछ को सेपरेट करते हैं ठीक है और डिफरेंट टिश्यूज के क्या है अरेंजमेंट्स को है वो देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं अगर वो उन्हें फ्लूइड उनके आगे लगा रहे हैं तो एक इस टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो कि फ्लूइड या फिर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास क्या है वो कितने टाइप के हैं वो देख लेते हैं दे आर बेसिकली टू टाइप्स सो so, जो दो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं दे आर ब्लड एंड लेम्फ अब एक एक की बात करते हैं फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ब्लड ब्लड के बारे में हमें क्या पता है दैट दे आर ब्लड है वो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है विच इज रेड इन कलर रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमें पता है एक टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड का रेड कलर देता है और ये जो पिगमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ठीक है हीमोग्लोबिन क्या कर देता है एब्जॉर्ब कर सकता है अपने साथ अटैच करवाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को और वो क्या है ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है और ऑक्सीजन को क्या है एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब कर कर डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट सेल्स हैं बॉडी के वहां तक पहुंचाता है क्या हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है इन रेड ब्लड सेल्स सो ब्लड का बेसिकली सबसे पहले कॉमन बात करेंगे दैट इट इज रेड इन कलर जो हमने इन्हें बोल दिया है रेड ब्लड सेल्स और हमने इन्हें क्या बोल दिया है एरिथ्रोसाइट्स uh, तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जो क्या करता है कैरी करता है ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है टू फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी और उसे बॉडी से क्या है आउटसाइड एक्सहेल करवाता है सो हमारे पास है हीमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में सबसे पहली जो चीज है ब्लड में क्या प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स इसके सिवा और क्या क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम बोल देते हैं ल्यूकोसाइट्स देर आर प्रेजेंट व्हाइट ब्लड सेल्स और जिन्हें हम बोल देते हैं ल्यूकोसाइट्स अब उसके बाद इनमें प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स और हम इन्हें बोल देते हैं थ्रोम्बोसाइट्स ठीक है ये सारी क्या है ये है हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द ब्लड ब्लड में और क्या क्या चीजें हमें मिल जाती हैं हमें ब्लड में मिल जाते हैं प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं ब्लड के अंदर डिफरेंट uh, टाइप के हॉर्मोन्स एटसेट्रा सो इट ऑल्सो कंटेन ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट जैसे प्रोटीन्स हैं हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं लाइक हाइब्रीनोजेंस जो कि क्या कंट्रोल कर? करती हैं ब्लड क्लोटिंग में हेल्प आउट करती हैं तो इस टाइप की प्रोटीन्स हमें मिलेंगे सॉल्ट्स प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट टाइप के हमारा जो फूड है वो भी तो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है सो वो भी क्या है इसका पार्ट होता है हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या है कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के काफी फंक्शंस को सो ये सब कुछ क्या है प्रेजेंट होता है इन द ब्लड जिसमें हमारे पास आ जाती हैं रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल प्लेटलेट्स ठीक है यह और यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन सोल्ड और हॉर्मोन्स तो ये था ऑल अबाउट ब्लड और कैसे इसमें से ऑक्सीजन है उसको हेमोग्लोबिन अटैच करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करता है और कैसे उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है आफ्टर दैट बात कर लेते हैं लिम्फ की लिम्फ है जैसे कि रेड ब्लड रेड जो सॉरी ब्लड है वो रेड कलर का होता है तो लिम्फ जो है वो होता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट फ्लूड है जो कि येलोइश कलर का होता है ठीक है तो लिम्फ में क्या है हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट फ्लूड होता है जो कि क्या है जो कि होता है येलो होता है इन कलर अब ये येलो इन कलर है इनका मतलब कलर इनके पास रेड नहीं है ब्लड का रेड कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी मतलब कि इनके अंदर कहीं ना कहीं आरबीसी है वो प्रेजेंट नहीं होती तो इनके अंदर प्रेजेंट क्या होता है इनके अंदर प्रेजेंट होती है ल्यूकोसाइड ठीक है और बेसिक जो हर दोनों में प्रेजेंट होता है वो होता है प्लाज्मा प्लाज्मा हम यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं प्रेजेंट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और इनके पास प्रेजेंट क्या होता है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट बढ़ाता है ब्लड का तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ल्यूकोसाइट्स हैं वो सारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि फाइट करने में हेल्प करती हैं वो हमें मिलती हैं इन द लिम्फ अब लिम्फ है और ब्लड है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है जो ब्लड है हमें पता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है ऐसे ही एक लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में जिसके क्या है वेसल्स के अंदर लिम्फ है वो फ्लो करता है लिम्फ है वो वो वाला फ्लूड होता है जो कि सेल्स के बाहर की साइड मतलब दो सेल्स के बीच का जो इंटर स्पेस होता है वहां पर जो फ्लूड प्रेजेंट होता है वो जाता है इन द लिम्फेटिक सिस्टम तो ये प्रेजेंट होता है इन द इंटर स्पेसेस जो so बेसिकली हमारे पास लिम्फ के पास क्या है इनके अंदर प्लेटलेट्स जो हैं ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होते हैं आर नहीं होती है बाकी सब कुछ इनके पास प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हमारे पास जो है ब्लड है उस, उसके कंपैरिजन में इनके पास बाकी सब कुछ प्रेजेंट होता है इनके ये है इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रेजेंट होता है ये फ्लूड अब जो इंटरसेलुर स्पेसिस में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये क्या है वैसेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इनमें लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं ठीक है डिफरेंट लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू ये डिफरेंट पार्ट बॉडीज में क्या बॉडी में क्या है डिफरेंट पार्ट्स तक क्या है सर्कुलेट uh, होता है इसका मेन फंक्शन क्या है ये इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट बनाता है हमारी बॉडी में ठीक है हमें डिफरेंट डिसीजेस को क्या है फाइट करने में हेल्प करता है तो मेन पार्ट है सो so, ये बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारा फॉर्म करता है विच इज़ क्या है लिम्फ है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है सो so, ये है बेसिकली जो डिफरेंस हो है इन दोनों के अंदर uh, हमारे पास क्या है ब्लड हमारे पास प्रेजेंट है लिम्फ इनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है अगर रेड ब्लड सेल्स को हम निकाल दें तो जो हमारे पास फ्लूड प्रेजेंट होता है उसे बेसिकली हम लिम्फ कह देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड है ये ये काम करता है एज अ मिडल मैन सो so, क्या होता है यहाँ पर जो ब्लड है वो जो टिश्यूज है उस लेवल पर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें ये क्या है लिम्फ है वो मिडल मैन की तरह काम करता है ब्लड से कुछ चीजें लेगा जो टिश्यूज तक पहुंचाएगा और टिश्यू से कुछ चीजें लेगा जो कि ब्लड तक पहुंचाता है सो so, ये है बेसिकली लिम्फ के बारे में और ये है ब्लड के बारे में इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा अबाउट फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू हमने कहा कि फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूड है नेचर में और ये हमारे पास दो टाइप के बेसिकली हो सकते हैं वन इज ब्लड एंड अनदर वन इज लिम्फ जो हमारे पास ब्लड है उसे हमें पता है कि रेड कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ

उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो uh, लिकोसाइड्स में आ जाती हैं थ्रोम्बोसाइड में आ जाती हैं आरबीसी आ जाती हैं प्लाज्मा तो जो मेन लिक्विड पार्ट बनाता है वो बनाते ही ये दोनों का उसके बाद इसके अंदर है प्रेजेंट होता है प्रोटीन सोल्स और हॉर्मोन्स और uh, प्लाज्मा हमने मैंशन किया उसके बाद हमारे पास है इनके पास लिकोसाइड्स है प्लाज्मा प्रेजेंट है और डिफरेंट uh, जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के वो भी इनके अंदर प्रेजेंट मिलते हैं उसके बाद इंटर सेलो में ये प्रेजेंट होते हैं इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट बनाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इनके अंदर हमें व्हाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं जो कि क्या है इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट बनाते हैं इनके पास भी एक सिस्टम होता है प्रॉपर लिम्फ को फ्लो करने के लिए जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं लिफवैटिक ऑर्गन होते हैं सो लिम्फ है वो फ्लो करता है और ये इंटर कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है इंटरसेल स्पेसिस में ठीक है ये बना होता है इंटरस्टिशल फ्लूड का प्लस ये बना होता है लिकोसाइड का ठीक उसके बाद है हमारे प्लाज्मा और हम कह सकते हैं इंटरस्टिशल फ्लूइड ठीक है उसके बाद हमारे पास है इम्यून सिस्टम बनाएगा और मिडल मैन की तरह काम करता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज सो ये था ऑल अबाउट फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू अगर ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स आपको साइंस के पढ़ने हैं तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए अगर अभी आप तक आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कीजिए टू अभ्यास ऑनलाइन डॉट इन वहां पर आपको डिफरेंट साइंस के कंसेप्ट मिलेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल है वहां पर जाकर इन कंटेंट को पढ़िए वीडियोज देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए आफ्टर दैट आप वहां पर टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं हर उस टॉपिक पर जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉग है उस पर टेस्ट दीजिए उसकी प्रॉपर एनालिसिस देखिए इफ अगर आपका कोई वीक एरिया आता है तो उस पर काम कीजिए अगर आप ऑटोमेटिक